पिच के गालों को कैसे भरा जाता है। अगर आपके गाल भी पिचक रहे हैं यानी आपके चीक्स अगर अंदर बैठ रहे हैं तो वो होने का रीज़न क्या होता है एंड आपके चीक्स को आप मोटा कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मुझसे बात करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं और आपकी सारी प्रॉब्लम्स मुझसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो लुक का इंप्रेशन रहता है वो आपके फेस से ही अच्छा लगता है। अगर आपका फेस ज़्यादा मोटा है तो आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं लगेगा, और अगर आपका फेस ज़्यादा ही पतला यानी आपके जो चीक्स हैं वो अंदर घुस रहे हैं, पिचक रहे हैं, तभी भी आपका इंप्रेशन बहुत ही ज़्यादा डाउन में लगता है। तो हम जानते हैं कि जो चीक्स घुसते हैं या फिर जो चीक्स पिचकते हैं वो होने का रीज़न क्या होता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मैस्टरबेशन करते हो हर दिन या हफ्ते में एक या दो बार या कंटिन्यू आप करते हो, तो जिससे आपके चीक्स या गाल बैठने का रीज़न सबसे बड़ा होता है। आप अच्छी डाइट फॉलो नहीं करते हो, अच्छा वर्कआउट आप नहीं करते हो जो कि आपकी मसल्स को नहीं लगता। आप जो भी डाइट फॉलो करते हो जिसमें कि जो भी कुछ आता है वो आपको नहीं लगता, जिसके रीज़न से आपकी मसल्स गेन नहीं हो पाती। बहुत से लोग स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं या बहुत से लोग डिप्रेशन में भी रहते हैं जो कि टेंशन करते रहते हैं, पता नहीं किस चीज़ की टेंशन करते हैं, तो उसके रीज़न से उनकी जो ब्लड रहता है उसका सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है, ब्लड गाढ़ा होने लग जाता है जो कि आपकी पूरी मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो ऐसे बहुत से रीज़न होता है जिससे कि आपके गाल पीछे जाते हैं, टाइम से पानी नहीं पीना या आपके फेस पर कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हो जिससे कि आपका फेस ऑटोमेटिक ख़राब होता जा रहा है और आपकी स्किन पतली होती जा रही है, तो इस रीज़न से आपके चीक्स बैठ जाएंगे यानी आपके गाल पिचक जाएंगे। अब बात क्या होती है कि चीक्स को मोटा कैसे किया जाता है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर हम जो हमारे चीक्स बैठ रहे हैं यानी जो चीक्स पिचक रहे हैं, ना हम मैस्टरबेशन करते हैं, ना हम ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग, ना हम डिप्रेशन में हैं, अच्छा वर्कआउट भी करते हैं, अच्छी डाइट भी फॉलो करते हैं, इसके बाद भी हमारे जो चीक्स है वो अंदर क्यों घुसते जा रहे हैं यानी वो मोटे क्यों नहीं हो रहे। तो इसका सिंपल सा रीज़न होता है जो आप डाइट फॉलो करते हो आपके अकॉर्डिंग वो अच्छी है लेकिन आपके बॉडी के अकॉर्डिंग वो अच्छी नहीं, यानी आपको आपकी जो बॉडी है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही जो आपके डाइट फॉलो कर रहे हो, तो आपको वो डाइट फॉलो करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। आप कोई सा ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो जो कि आपके फेस पर इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप अच्छा प्रोडक्ट चूज़ करें, जैसे कि आप एलोवेरा चूज़ कर सकते हो या आप जो दूध रहता है, दूध की जो पपड़ी रहती है आप उसकी मसाज आपके चीक्स पर कर सकते हो, वो भी आपके फेस से ग्लो के लिए बहुत अच्छा होता है। अब बात यह आती है कि खाने में हम क्या यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारे चीक्स ऑटोमेटिक मोटे होते चले जाएँ, जिससे भी जैसे कि बादाम आता है, आलू आता है, मूंगफली के दाने आते हैं, तो ऐसे सोयाबीन वगैरह यानी जिसमें विटामिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि आप अंडे भी खा सकते हैं, अंडे विटामिन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है जो कि आपकी बॉडी को 100% लगता ही लगता है, आपको ऐसा कुछ खाना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी ने बता दिया कि आप ये डाइट फॉलो करो, इससे ये होता है, ये डाइट फॉलो करो, आपको खुद उसके बारे में इंफॉर्मेशन पाती होनी चाहिए। आजकल गूगल पर क्या नहीं मिलता, आप जाकर सर्च कर सकते हो कि इसमें कितना प्रोटीन होता है, इसमें कितना होता है, इसको कैसे खाया जाता है, इसको कैसे लगाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं, ना कि किसी ने आपको बता दिया कि आप ये यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करने लग जाए, ऐसा नहीं होता। आप जो भी गंदे काम करते हो अगर आप वो करते हो तो आप उसको अभी छोड़ दें, अगर आप उसको नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके मसल्स ग्रोथ होने में आपको बहुत जल्दी रिकवर होने का टाइम मिल जाएगा। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, चीज़ को मोटा करने के लिए आप आपके फेस पर जो दूध की पपड़ी रहती है या फिर जो कच्चा दूध रहता है आप उसकी मसाज आपके चीक्स पर कर सकते हैं, 100% आपके चीक्स मोटे होने लग जाएंगे, गोल मटोल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।